हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। तो मेरा नाम है फिनिक्स एंड तुम लोगों का स्वागत है पोकेमोन फायर रेड वर्जन के गेम प्ले के पार्ट 4 में। तो ब्रो, लास्ट एपिसोड में मेरे साथ क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो लास्ट एपिसोड में मैं था ब्रिडियन सिटी के पोकेमोन सेंटर में, उसके बाद मैंने मैंकी को पकड़ा रूट 22 में जाके, देन वहाँ से मैं निकल के ब्रिडियन सिटी वापस आ गया। एंड ब्रिडियन सिटी में मैंने पोकेमोन जिम ढूंढा भाई, पोकेमोन जिम तो मुझे मिला लेकिन वो जिम था लॉक। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एंड मुझे पता चला कि ब्रिडियन फॉरेस्ट को पार करने के बाद मैं प्यूटर सिटी मिलेगा। तो मैं अभी प्यूटर सिटी जा रहा हूँ, एंड प्यूटर सिटी जाने के लिए मुझे ब्रिडियन फॉरेस्ट से होते हुए जाना होगा, इसलिए मैं ब्रिडियन फॉरेस्ट के तरफ निकल गया। एंड ब्रिडियन फॉरेस्ट के बाहर में जो गेट था, गेट के सामने मुझे एक कैडे भी मिला और रूट 4 था शायद, यस रूट 3 नहीं तो 4, 3 था आई गेस। तो रूट 3 में मुझे एक कैडेपी मिला, एंड देख ही लेता हूँ मैं मैप में। रुको, मैप तो है ना मेरे पास, मैप किस दिन काम आएगा ब्रो। तो यस, रूट 2 में मैंने कैडेपी पकड़ा। उसके बाद मैं ब्रिडियन फॉरेस्ट में आ गया, एंड ब्रिडियन फॉरेस्ट में मैंने आके कैडेपी को वीडल को पकड़ा, एंड देन मैंने पीकाचू को ढूंढा भाई, पीकाचू को पकड़ने के लिए मुझे 5 मिनट लग गया भाई उसे एक मेल पीकाचू ढूंढने में। तो ब्रो मैं तुम्हें अपडेट दे देता हूँ, मेरे पोकीडेक्स अभी तक मैंने कितने पोकेमोन को पकड़ा है। वैसे तुम्हें बता दूँ, मैं पोकीडेक्स को कंप्लीट कर रहा हूँ इस गेम में, ट्राई कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने 11 पोकेमोन को देखा है, एंड मैं ओन करता हूँ 9। तो कौन से पोकेमोन को नहीं पकड़ा है मैंने, एक मिनट यार, काकुना को नहीं पकड़ा है, स्क्वेडल को, अबे तू कहाँ से आ गया ब्रो, पीकाचू को तो पकड़ा है, और कौन है भाई, मैंकी को भी तो पकड़ा है मैंने, पीकाचू, स्पैरो, रैटाटा, पिजी, काकुना, मेटापॉट को भी पकड़ रखा है। अभी तक 2 पोकेमोन को नहीं पकड़ा है मैंने, ठीक है। तो अभी मैं शायद इस एपिसोड में काकुना को पकड़ूंगा, उसके बाद पीटर सिटी के तरफ जाऊंगा। ट्रेनर टिप्स, वीकेंड पोकेमोन बिफोर अटेम्प्टिंग कैप्चर व्हेन हेल्दी दे में एस्केप। तो इधर किसी ने साइन दे के रखा है कि जब तुम्हें पोकेमोन पकड़ने के लिए पोकेमोन को वीक करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो हेल्दी होंगे तो भाग जाएंगे भाई। कैडेपी हटना यार तू इधर से, मुझे सिर्फ एक काकुना पकड़ना है, एक काकुना मिल जाए उसके बाद भाई हो जाएगा, इधर ब्रिडियन सिटी से मैं निकल जाऊंगा, काकुना मिल जाए बस एक। ब्रो पीकाचू अभी तू क्या कर रहा है भाई, मुझे काकुना पकड़ना है ब्रो, किधर है काकुना, पीकाचू अभी बहुत सारे पीकाचू आ रहा है भाई, काकुना अभी क्यों नहीं आ रहा भाई, जो पोकेमोन पकड़ना चाहता हूँ वो आते नहीं जल्दी भाई, कम ऑन यार, काकुना, एक काकुना इतना रेयर नहीं हो सकता भाई, कम ऑन, कितना टाइम लगेगा इधर, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, एंड बहुत टाइम लग रहा है ब्रो इधर भाई, कब काकुना को पकड़ूंगा भाई, जब काकुना मिल जाएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा बोलना भाई, जब रिकॉर्ड करता हूं तभी क्यों ऐसा बकचोदी होता है भाई, काकुना मिल जाना यार, एक काकुना ढूंढने में इतना टाइम लग जाएगा तो हो गया मेरा काम ब्रो। अगर ज़्यादा दिमाग ख़राब कराएगा तो एक वीडल को पकड़ लूँगा, उसके बाद उसको इवॉल्व कर दूँगा भाई, कम ऑन यार, एक काकुना ही तो चाहिए ब्रो भाई। चार्मेंडर को इसने पॉइजनस कर दिया, इसको ऊपर अटैक करना पड़ेगा, एम्बर ये तो गया, 37 एक्सपीरियंस मिला चार्मेंडर को ब्रो, अभी तक मुझे एक काकुना नहीं मिला, एंटीडोट यूज़ करना पड़ेगा अब। ओ भाई 4 एंटीडोट है मेरे पास, अभी 3 हो जाएंगे जब मैं चार्मेंडर के ऊपर यूज़ कर दूँगा तब भाई, 3 हो गए। तो ढूंढते हैं भाई काकुना को, भाई काकुना क्यों नहीं मिल रहा, शायद आगे मिल जाए मुझे, तो अभी तो काकुना नहीं मिला मुझे, अगर आगे मिल गया तो ठीक है भाई, नहीं तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो इधर एक साइन लगा है, ट्रेनर टिप्स, इफ़ योर पोकेमोन आर वीक एंड यू वांट टू अवॉइड बैटल, स्टे अवे फ्रॉम ग्रासी एरिया। अगर मुझे बैटल अवॉइड करना है तो इस ग्रास से मुझे दूर रहना होगा, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है ब्रो, क्यों बताया, ये साइन क्यों लगाया,
आई वॉज थ्रोइंग पोकेबॉल टू कैच पोकेमॉन, आई रन आउट पोकेमॉन। सारे भाई ये पोकेमॉन पकड़ रहा था एंड पोकेबॉल ख़त्म हो गया इसका। दैट वाई यू कैन नेवर हैव टू मैनी पोकेबॉल्स। क्या सच में ज़्यादा पोकेबॉल्स लेने से मतलब ज़्यादा चांस कम होगा पोकेमॉन को पकड़ने का? इधर एक वाइल्ड पोकेमॉन कौन है ये? वीडल भाई, वीडल नहीं चाहिए। तो भाई इधर एक पोशन मिला तो पोशन यूज़ कर लेता हूँ मैं चार्मेंडर के ऊपर, क्योंकि तुम देख सकते हो चार्मेंडर का एचपी बहुत कम है, हेल्थ बहुत कम है। तो यूज़ कर लिया मैंने पोशन एंड एचपी फुल कर दिया है चार्मेंडर का। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इधर बहुत सारे ट्रेनर मिलेंगे एंड मैं ट्रेनर से बैटल करूँगा, हर एक ट्रेनर से बैटल करूँगा मैं। हे यू हैव पोकेमॉन, कम ऑन। हाँ मेरे पास पोकेमॉन है, लेट्स बैटल हम। तो ये बग कैचर मुझसे बैटल करना चाहता है, देखते हैं इस बग कैचर के पास कौन से पोकेमॉन है। इस बग कैचर का नेम है रिक एंड इसके पास है वीडल जिसका लेवल 6 है। तो चार्मेंडर यूज एम्बर, भाई एक चार्मेंडर का एक एम्बर अटैक से ये वीडल हो गया फेंटेड एंड चार्मेंडर को एक्सपीरियंस मिला 66 का। एंड ब्रो अब ये रिक यूज़ करने वाला है इसका नेक्स्ट पोकेमॉन जो कि है कैटपी जिसका भी लेवल 6 ही है। तो इसके ऊपर भी एम्बर यूज़ करते हैं एंड ये भी एक एम्बर अटैक से फेंटेड हो गया ब्रो। एंड चार्मेंडर को एक्सपीरियंस मिला 67 का एंड अपना चार्मेंडर ग्रो टू लेवल 11। तो अब अपना चार्मेंडर 11 लेवल का हो चुका है भाई। रिक को तो हमने डिफीट कर दिया। नो कैटपी कैन हैक इट, कैटपी को हरा दिया इसके। इसका शायद फेवरेट पोकेमॉन था कैटेपी, क्योंकि इसने वीडल का नाम नहीं लिया। यू आर स्केयर द पग अवे अनदर टाइम, ओके। हाँ देखेंगे भाई अनदर टाइम, अगर टाइम मिलेगा तो। तो भाई इस ग्रास एरिया से ही जाता हूँ मैं, अगर मुझे इधर कहीं मिल गया एक ककुना बकुना, या फिर मैं बाद में भी आ सकता हूँ ककुना पकड़ने। यो यू कैन जम्प आउट इफ़ यू आर ए पोकेमॉन ट्रेनर। या भाई आजा भाई, तू बैटल करना चाहता है ना मुझसे? वैसे तेरा नाम क्या है भाई बग कैचर? इसका नाम है डॉग, डॉग जिस इसके पास 3 पोकेमॉन है। सबसे पहला है वीडल जिसका लेवल है 7। तो चार्मेंडर का एक एम्बर अटैक से तो ये फेंडेड होगा, मुझे पता है एंड ये फेंडेड हुआ। तो नेक्स्ट पोकेमॉन देखते हैं भाई, नेक्स्ट पोकेमॉन कौन है। 78 एक्सपीरियंस मिला अपने चार्मेंडर को एंड नेक्स्ट पोकेमॉन, भाई मैं पिजी को भी थोड़ा बहुत ट्रेन कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट पोकेमॉन है इसका वीडल। तो इसके ऊपर टैकल यूज़ करते हैं भाई, पॉइजन स्टिंग मत यूज़ करना वीडल। अच्छा हुआ वीडल ने स्टिंग शॉट यूज़ किया, डिफेंस फेल होगा। पॉइजन स्टिंग से पॉइजनस हो सकता है एंड एंटीडोट यूज़ करना पड़ेगा उसके बाद, अगर पॉइजनस हो जाएगा पिजी तो। भाई वीडल के ऊपर स्ट्रिंग शॉट यूज़ किया, अबे वीडल ने यूज़ किया स्ट्रिंग शॉट पिजी के ऊपर एंड पिजी यूज टैकल, एक और टैकल यूज़ करना पड़ेगा उसके बाद मैं इस पिजी को, इस वीडल को हरा दूंगा। तो कम ऑन यार पिजी, स्पीड फेल हुआ पिजी का, लेकिन इससे स्पीड फेल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे वीडल को तो मैंने हरा दिया, पिजी ने हरा दिया। 78 एक्सपीरियंस मिला पिजी को एंड पिजी ग्रो टू लेवल 8। अब अपना पिजी 8 लेवल का हो चुका है भाई, थोड़ा ट्रेन इसको भी कर लेता हूँ मैं। वैसे मुझे ट्रेन करना चाहिए। अबे ककुना मैं तुझे ही पकड़ना चाहता हूँ भाई, कैसे मिलेगा ककुना बता भाई डॉज। तो टैकल यूज़ करते हैं ब्रो ककुना के ऊपर, ककुना अपना डिफेंस रोज कर दिया है हार्डन अटैक से। तो एक और करता हूँ टैकल यूज़ भाई, कम ऑन यार पिजी जल्दी से इसे फेंडेड कर, और भी ट्रेनर से बैटल करना बाकी है अभी। ये ककुना हार्डन के अलावा कोई और अटैक नहीं कर रहा। तो भाई पिजी यूज़ कर टैकल, अब कितने बार टैकल यूज़ करना पड़ेगा भाई इस ककुना को हराने के लिए? भाई मुझे लगता है 3 टैकल यूज़ करना पड़ेगा, एक टैकल तो मिस हो गया। हार्डन यूज़ किया फिर से, इसको शायद हार्डन अटैक ही आता है ककुना को, और कोई अटैक नहीं आता भाई। मुझे लगता है 3 करना पड़ेगा, 3 बार टैकल अटैक यूज़ करना पड़ेगा उसके बाद ये ककुना फेंडेड होगा। एक और टैकल, ओके एक और टैकल यूज़ करते हैं, ये शायद फाइनल टैकल होगा अपने पिजी का। भाई नहीं 4 टैकल यूज़ करना पड़ा इस ककुना को हराने के लिए ब्रो, भाई वर्थ इट होना चाहिए, एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ककुना, या ब्रो एक्सपीरियंस ज़्यादा मिला,
पिजी गेन 106 एक्सपीरियंस एंड पिजी ग्रो टू लेवल 9। ब्रो पिजी अपना 9 लेवल का हो गया है एंड पिजी ने गस्ट अटैक भी सीख लिया है। ठीक है भाई, के डॉज को तो हरा दिया। हाँ, आई रन आउट ऑफ पोकेमोन। भाई इसका पोकेमोन खत्म हो गया। दैट टोटली स्टिंक्स, आई एम गोइंग टू कैच सम स्ट्रॉन्गर वन। भाई जरूर कैच कर स्ट्रॉन्ग वन। वैसे तू बता सकता है ककुना किधर मिलेगा? कॉन्टैक्ट प्रोफेसर ओक वाई ए पी सी टू गेट योर पोकेडेक्स इवोल्यूटेड। ठीक है भाई, प्रोफेसर ओक से कॉन्टैक्ट जरूर करूँगा मैं। इधर किसी ने एक आइटम फेंक के रखा है और ये है एंटीडोट। ठीक है ब्रो, और भी ट्रेनर है क्या इधर? होना तो चाहिए ब्रो। ब्रिलियंट फॉरेस्ट में शायद 4 ट्रेनर है, 4 या 5। ये देखो एक इधर है। ओके, आई माइट बी लिटिल बट आई वोंट लाइक इट इफ़ यू गो ईजी ऑन मी। नहीं जाऊँगा भाई ईजी तेरे ऊपर, ईजी नहीं जाऊँगा। आ भाई तेरे पोकेमोन दिखा बस। तो इसके पास 2 पोकेमोन है, इसका नेम है एंथनी। तो सबसे पहला पोकेमोन है एंथनी का कैटेपी जिसका लेवल है 7। तो चार्मेंडर यूज कर एम्बर अटैक। एक कैटेपी तो नहीं बचने वाला, एक एम्बर अटैक से ये कैटेपी हो गया फेंडेड। एंड नेक्स्ट पोकेमोन देखते हैं एंथनी का, 79 एक्सपीरियंस मिला चार्मेंडर को। एंड नेक्स्ट पोकेमोन है एंथनी का एक और कैटेपी। भाई इसके पास 2 कैटेपी था, इसका लेवल सिर्फ 1 लेवल ज़्यादा है पहले वाले से। और ये भी नहीं बचा चार्मेंडर के एम्बर अटैक से एंड फेंटेड हो गया। 19 एक्सपीरियंस मिला चार्मेंडर को एंड चार्मेंडर ग्रो लेवल 12। अपना चार्मेंडर 12 लेवल का हो चुका है, अपना लॉन्डा 12 लेवल का हो गया ब्रो। प्लेयर डिफीटेड पक कैप कैचर एंथनी। भाई 96 पोकी डॉलर मिला मुझे। ठीक है भाई, तू बता सकता है ये ककुना किधर मिलेगा? आई लॉस सम माई अलाउंस बोल रहा था आई गेस, अलाउंस समझ में नहीं आया यार ब्रो। तो आगे बढ़ते हैं भाई, ब्रिडियन फॉरेस्ट से निकलते हैं एंड प्यूटर सिटी चलते हैं। क्या मैं इस एपिसोड में प्यूटर सिटी पहुंच सकता हूँ? आई गेस ओके। इधर एक और भी ट्रेनर है भाई, तुम बैटल नहीं करेगा क्या मुझसे ब्रो? इससे शायद बात करना होगा। डिड यू नो दैट पोकेमोन इवॉल्व? हाँ भाई सबको पता है पोकेमोन इवॉल्व होते हैं। तो इस बग कैचर का नेम क्या है? चार्ली। इस बग कैचर का नेम है चार्ली, जिसके पास है मेटापॉड 7 लेवल का। तो भाई एम्बर यूज़ करते हैं भाई, एम्बर से ये मेटापॉड नहीं बचने वाला। और मेटापॉड हो गया फेंडेड भाई। एम्बर अटैक बग पोकेमोन के लिए बहुत बुरा चीज़ है। तो चार्मेंडर गेन 108 एक्सपीरियंस, अपना चार्मेंडर 108 एक्सपीरियंस गेन किया। नेक्स्ट पोकेमोन एंथनी यूज़ करने वाला है एक कैटेबी, इसका लेवल 7 है। तो यूज़ करते एम्बर, कम ऑन यार चार्मेंडर फेंडेड कर। तो कैटेबी हो गया फेंडेड, 79 एक्सपीरियंस मिला। और ये चार्ली लास्ट पोकेमोन यूज़ करेगा मेटापॉड। भाई इसके पास 2 मेटापॉड था एंड दोनों का ही लेवल सेम था भाई। अटैक करने का मौका भी नहीं मिलेगा इसको एंड ये फेंडेड हो जाएगा। तो भाई 108 एक्सपीरियंस मिला चार्मेंडर को एंड चार्मेंडर ग्रो टू लेवल 13। भाई अपना चार्मेंडर 13 का हो चुका है एंड चार्मेंडर ने सीख लिया है मेटल क्लॉ। ब्रो मेटल क्लॉ पीटर सिटी की जिम में बहुत काम आएगा ब्रॉक के खिलाफ। ओ आई लॉस्ट, यस ब्रो तुम हार गए मुझसे। बग पोकेमोन इवॉल्व क्विकली, दे आर लॉट ऑफ फन। क्या सच में बग पोकेमोन ज़्यादा जल्दी इवॉल्व होते हैं? बताना भाई तुम कमेंट में, मुझे नहीं पता भाई। प्लीज़ ककुना आना चाहिए भाई, कैटेपी की ऐसी की तैसी ब्रो। आगे बढ़ते हैं, इधर किसी ने साइन लगाया है, साइन को बाद में देखता हूँ। इधर एक पोकेबॉल पड़ा है, इसके अंदर पोशन है भाई, एक आइटम मिला मुझे पोशन। ठीक है, तो ये साइन किस चीज़ का है? ट्रेनर टिप्स, यू कैन कैच ए पोकेमोन दैट बिलोंग टू समवन एल्स, दी पोकेबॉल ओनली एट वाइल्ड पोकेमोन टू कैच देम। ये बोर्ड लगाने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि तुम पोकेबॉल से कैच नहीं कर सकते, तो क्या फिर साइन लगाने का मीनिंग ब्रो? ओके ककुना प्लीज। यस फाइनली ब्रो ककुना मिल गया जिसका लेवल है 4। तो ब्रो ककुना के लिए मैंने
मैं तो ककुना को पकड़ के ही रहूँगा कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे पास पोकेबॉल ज़्यादा नहीं है। तो राडेटा तू आ जा भाई ककुना के ऊपर। ओके ककुना को पकड़ना ही है, ये अपना डिफेंस बढ़ा रहा है। तो ककुना हार्डन यूज़ करके करके ब्रो अपना डिफेंस बढ़ा है। मेरे पास एक ही पोकेबॉल है, ये मिस होना नहीं चाहिए ब्रो, कम ऑन यार, मिस होगा तो मैं अपसेट हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा। तो मैं ओके, तो मुझे लगता है अब मैं ककुना को कैच कर सकता हूँ। तो मैं चार्मेंडर को सबसे पहले रखूँगा, इससे चांस बढ़ेगा शायद, ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो ब्रो। तो पोकीबॉल किधर है, एक ही पोकीबॉल बचा है भाई, ककुना को कैच करना ही है मुझे। अगर इसे कैच कर दूँ तो भाई मज़ा आ जाएगा। अबे यार इसकी ऐसी की तैसी, मुझे दोबारा ना आना पड़ेगा ब्रीडन फॉरेस्ट में ककुना को कैच करने के लिए। तो रुको ब्रो, इसको मैं फेंडेड करूँगा भाई। भाई गया ककुना, चार मिनट को 20 मिला है, रेडेटा को भी 20 एक्सपीरियंस है। अबे 20 एक्सपीरियंस है, रेडेटा लेवल अप हो गया। ओके तो आगे बढ़ते ब्रो आगे बढ़ते हैं। इधर एक ट्रेनर है, हे वेट अप, व्हाट्स द हरी, व्हाई द रश ब्रो। अबे मुझे जल्दी है, तुझे क्या ब्रो, तू होता कौन है मुझे पूछने वाला। तो इसके पास एक ही पोकेमोन है, इसका नेम है सैमी। तो इस पग कैचर सैमी के पास वीडल है जिसका लेवल 9 है, सबसे ज़्यादा लेवल वाला पोकेमोन इसके पास ही है ब्रो। इधर ब्रीडन फॉरेस्ट में जितने भी ट्रेनर एंड वाइल्ड पोकेमोन मिला है मुझे, सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन इसके पास ही था 9 लेवल का। एंड ये वीडल भी फेंटेड हो गया, अपने चार्मेंडर के अटैक से बच नहीं पाया कोई भी नहीं। तो 99 एक्सपीरियंस मिला अपने चार्मेंडर को, एंड हमने सैमी को हरा दिया, डिफीट कर दिया सैमी को। अभी सैमी कुछ बोल रहा था, मैंने पढ़ना भूल गया। ठीक है भाई, सैमी के पास मनी भी ज़्यादा था, 108 पोके डॉलर दिया इसने। सम टाइम यू कैन फाइंड स्टफ ऑन द ग्राउंड, हाँ भाई मुझे बहुत सारे स्टफ मिला। आई एम लुकिंग फॉर द स्टफ आई ड्रॉप, कैन यू हेल्प मी, नहीं भाई मुझे नहीं करना तेरा हेल्प भाई। इसने ही कुछ गिराया था शायद भाई, क्या करूँगा मैं वाइल्ड पोकेमोन का, वैसे पकड़ने तो नहीं वाला क्योंकि पोकेबॉल तो ख़त्म हो चुके हैं। लिविंग ब्रिलियन फॉरेस्ट प्यूटर सिटी है, तो सामने ही है प्यूटर सिटी, तो चलो भाई प्यूटर सिटी चलते हैं। ओल्ड मैन हैव यू नोटिस द स्किनी ट्रीज ऑन द रोड साइड, हाँ भाई मैंने देखा, उसको मैं कट अटैक से हटा सकता हूँ मुझे पता है। दे कैन बी कट डाउन बाई स्पेशल पोकेमोन मूव आई हेयर, हाँ मुझे पता है, तुमने सुना है लेकिन मैंने ट्राई करके भी देखा है। Do you know the evolution cancel technique? हाँ मुझे वो भी पता है, when a Pokemon is evolved, मैं cancel कर सकता हूँ Pokemon अगर evolved हो तो। You can stop the process. It's a technique for rising Pokemon the way they are. Yeah. वो Pokemon की मर्जी ब्रो, evolve होना चाहता है कि नहीं वो। Many Pokemon live only in forest and caves. You need to present it and look everywhere to get different kind. Many Pokemon live only in forest. अबे मैंने तो ये पढ़ा ना भाई, तो चलो प्यूटर सिटी चलते हैं ब्रो। तो फाइनली मैं रूट 2 में हूँ अभी, तो मैं जा रहा हूँ प्यूटर सिटी। फाइनली मैं प्यूटर सिटी पहुँच गया। ये साइन बोर्ड क्या है भाई, ट्रेनर टिप्स ऑल पोकेमोन दैट अपग्रेड इन बैटल हाउएवर ब्रीफली अर्न एक्सपीरियंस पॉइंट, भाई थोड़ा भी इन्वॉल्व हो जाए अपने पोकेमोन एंड किसी दूसरे पोकेमोन ने उसे डिफीट कर दिया दूसरे पोकेमोन को, तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा मेरे सारे पोकेमोन को जब जो भी बैटल थोड़ा सा भी बैटल करेगा तो बैटल में इन्वॉल्व होगा। तो ब्रो ये है प्यूटर सिटी का पोकेमोन सेंटर। तो नर्स जॉय प्लीज़ हील माई पोकेमोन्स, तो नर्स जॉय ने मेरे सारे पोकेमोन को हील कर दिया है। तो मैं अभी इधर सबसे पहले तो पीसी में जाके सारे पोकेमोन को रखने वाला हूँ, तो भाई पोकेडेक्स एंट्री वाइज ही रखूँगा मैं। तो नंबर मोड तो ब्रो कैटेपी एंड मेटापॉट का 10-11 होगा, तो कैटेपी एंड मेटापॉट सबको पहले मैं पीसी में डालता हूँ। तो ब्रो डिपॉजिट करना है मुझे स्पेरो, तू भी चल जा, मैंकी कैटेपी, उसके बाद रेडेटा, ठीक है। अब मुझे इनको पोजीशन में रखना है,
उड्रॉ नहीं भाई, मूव करना है मुझे। तो कैटेपी किधर है भाई? कैटेपी को 10 नंबर में रखना है। तो कैटेपी आ जा भाई, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कैटेपी इधर रहेगा, उसके बाद मेटापॉड, उसके बाद ब्रो इधर व्हेल। अभी बॉक्स टू में नहीं, बॉक्स ऑन में ही रखना है। अच्छा इधर तो वीडल इधर रहेगा। रेडेटा का देखना पड़ेगा, रेडेटा एंड स्पेरो का पोकेडेक्स में नंबर कितना है। ठीक है तो देख लेता हूँ मैं ब्रो। रेडेटा का 19 है एंड स्पेरो का 21 ब्रो। ठीक है मूव करना होगा, 19 है रेडेटा का, 21 है शायद रेडेटा का। अबे मैं कंफ्यूज हो गया, वापस देखना पड़ेगा ब्रो, इधर रखना पड़ेगा। वापस से मैं कंफ्यूज कैसे हो सकता हूँ? ठीक अबे रेडेटा का 19 एंड स्पेरो का 20। ठीक है रेडेटा का 19 ब्रो, रेडेटा का 19। तो ये 6, 12, 13, 14, 16, 17, 19 रेडेटा इधर एंड स्पेरो 21 में रहेगा। 19, 20 एंड 21, इसका 56 है मैंकी का। ये 13 के बाद आता है तुम्हारा 13 एंड देन 36, 42, उसके बाद और 6 डाल दो तो 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56। तो मैंकी इधर रहेगा 56 में। हाँ देख लेता हूँ मैं पोकेडेक्स में, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ ब्रो, कंफर्म करना ज़रूरी है। मैंकी, यस मैंकी का 56 ही है। तो मैं अभी इधर पोकेमोन को सेव करने गेम पे लेकर सेव करने वाला हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को करें सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। मिलते हैं अगले एपिसोड में ब्रो, एंड सायोनारा।